नमस्कार, इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. केंद्रीय पर्यटन, जहाज बांधणी, बंदरे आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांच्या उपस्थितीत 9व्या जागतिक आयुर्वेद काँग्रेसचं पणजीत उद्घाटन करण्यात आलं. जागतिक स्तरावर आयुषच्या औषध प्रणालीची परिणामकारकता आणि सामर्थ्य दर्शवणे हे या एक्स्पोचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 2014 भारत सरकारनं स्वतंत्र आयुष मंत्रालय स्थापन केल्यानं आयुर्वेदाचा जागतिक विस्तार सुलभ झाला आहे, असं केंद्रीय पर्यटन आणि जहाज बांधणी, बंदरे आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आपल्या भाषणात म्हणाले. 2002 सुरू हुई वर्ल्ड काँग्रेस की यात्रा कैसे कैसे यहां तक कैसे पहुंची, उसका इतिहास पूरा आपके सामने, मेरे पूर्ववक्ता में आपके सामने रखा हुआ है. मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी पंतप्रधान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसी वक्त उन्हें पहला सबसे बड़ा जो काम किया कि जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस चल रही थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने घोषित किया था कि आयुर्वेदा हो, आयुष हो, बाकी सभी पैथी हो, ये हमारे इंडियन पैथी है और उसको बढ़ावा देना ये हमारा फर्ज है. इसलिए उन्होंने घोषित किया, इसीलिए एक नया मंत्रालय बनाने का काम उन्होंने हाथ में लिया और डिक्लेयर किया. तुरंत 6 महीने के बाद ये आयुष मंत्रालय बना के आज जिस तरह से आयुष का विकास, आयुर्वेदा का विकास जिस तरह से आज हो रहा है, ये सब उन्हीं के कारण है और इसलिए आप सबकी ओर से फिर एक बार उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has positioned India at a greater level by making the world aware of our treasure of knowledge. We as a stakeholder of Ayurveda and allied medicine shall remain grateful to Modi ji for setting up of Ayush Ministry for the first time in India's independence. Ayurveda, in my opinion, is the biggest ambassador of brand India in the world arena. We all perform the various roles as a student, teachers, researchers, practitioners, manufacturers, distributors, etc. And being the stakeholders in the field of Ayurveda, it is our duty to propagate this system of medicine. Being an Ayurvedic practitioner myself, I have supported the endeavor of making Goa as a prominent place for the wellness tourism. We have started the Ayush Wellness Center at all primary health centers in Goa and have posted the Ayush doctors at these places. या कार्यक्रमात आयुष्मान या कॉमिक बुक सीरीजच्या 3र्या आवृत्तीचं प्रकाशन करण्यात आलं. तसंच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आणि युरोपियन अकॅडमी ऑफ आयुर्वेद जर्मनी यांच्यात पारंपरिक भारतीय वैद्यक प्रणालीमध्ये प्रगत अभ्यास सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.